हाल ही में खत्म हुए बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी के हौसले बुलंद हैं। भाजपा को विधानसभा में पटखनी देने के बाद अब टीएमसी की योजना है कि कैसे भगवा दल को पूरे देश में हराया जाए। साथ तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2024 के लोकसभा चुनावों में सत्ता में अहम भूमिका निभाएंगी। तृणमूल कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर करने का रविवार को संकल्प लिया। बंगाल में सत्तारूढ़ दल टीएमसी ने अपने मुखपत्र जागो बंगाल में एक संपादकीय में 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कहा है कि देश भर में विपक्ष एक मंच पर एक साथ आने और कोई वैकल्पिक मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं टीएमसी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने नेताओं की पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी की है, लेकिन इस मामले में केंद्र ने संसद में कोई चर्चा नहीं की। तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि सरकार नेताओं की टेलीफोन पर बातचीत की जासूसी कर रही है और सदन में इस पर चर्चा नहीं करना चाहती है। हाल ही में हुए पेगासस विवाद पर टीएमसी केंद्र सरकार पर खासा मुखर नजर आई है। ममता बनर्जी ने तो अपने फोन पर प्लास्टर तर लगा लिया है। इसे लेकर ममता ने कहा है कि पेगासस ने सभी की जान को खतरे में डाल दिया है। बनर्जी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि हमने अच्छे दिन बहुत देख लिए, अब हम सच्चे दिन देखना चाहते हैं। जागो बंगाल और टीएमसी ने कहा है कि वह देश के हित में राष्ट्रीय स्तर पर एक गठबंधन के पक्ष में है। साथ ही कहा है कि हम गैर भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष दलों के साथ आने के पक्ष में है। वहीं आपको बता दें कि ममता बनर्जी कुछ दिन के दौरे पर दिल्ली आई थी। यहाँ उन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और केजरीवाल से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद से अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सोनिया गांधी को ममता बनर्जी का समर्थन मिल सकता है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।